ऐसी हमारी बहन थी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, और केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, वो हमेशा युवकों के कल्याण में और देश के सर्वधर्म समभाव में ख्याल देती थी। नया युवक एक सामर्थ्यवान युवक बने और वो किसी धर्म और जाति का न रहे, उसके दिल पर इस तरह का प्रभाव न हो जाए, इस तरह का वो हमेशा विचार करती रहती थी। एक ऐसी नेत्री थी जो राजनीति से परिपक्ष होकर मानव धर्म के विकास के लिए कई महीनों तक जाकर अपने संबंध प्रस्थापित करती थी। वो हमेशा लोगों को मिलती थी ज़्यादा, बड़े लोगों से नहीं, बड़े लोगों से बाद में, बड़े लोगों से भी मिलती थी, लेकिन पहले सब सामान्य आदमी से मिलती थी, क्योंकि वही सब प्राण है ना देश के। वो कहती थी कि हमारा हिंदू भाई, मुसलमान भाई, ईसाई भाई, सब हम लोग बराबर हैं और हम लोग सबके आत्मा एक ही है, चाहे हम लोग की शरीर अलग अलग हों। और इस विषय पे उन्होंने बहुत कार्य किए। उनके जो भी प्रयत्न थे वही थे कि लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। राजकीय स्तर पे जो कुछ भी कार्रवाई हो तो चलनी चाहिए, लेकिन एक सिटीज़न ऑफ वन कंट्री विद अ सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री, इनमें किसी भी वक्त कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। उनकी सोच थी कि हमें पहले देश को प्राथमिकता देना चाहिए और उसके बाद जिस संस्था से भी जुड़े हैं उसके काम को देना चाहिए, फिर अपने स्वार्थ को रखना चाहिए। दिस इंसिडेंट रिलेट्स टू द टाइम्स when the freedom struggle was in its final stages. It was the year 1942 when the Quit India movement under the leadership of Gandhiji was echoing across the nation. A little girl accompanied by her classmate had left her school and slipped onto street to join revolutionaries raising slogans. आज़ादी की लड़ाई के दिनों में मैं तो बच्ची थी, लेकिन उस ज़माने में छोटे बच्चों में भी जो जज्बा था, जो भावनाएं थी, वो अद्भुत थी। मुझे याद है एक बार हमने लड़कियों का एक संगठन बनाया था, तो 1942 के दिनों में गांधी जयंती पर हड़ताल और फिर जुलूस, ये सब छोटे छोटे बच्चियों ने उसको संगठित किया, और हमने बच्चियों को एक एक कॉलेज पे भेजा कि जाके लड़कों से कहो कि बाहर निकलो, आज तो आज़ादी के लिए बाहर निकलना है और जुलूस में शामिल होना है, महात्मा गांधी की जय बोलना है। तो सबसे बड़े कॉलेज में, जिसमें उस ज़माने में 2-3 हज़ार लड़के पढ़ते थे, वो छोटी बच्ची आ गई फ्रॉक वाली, और हमारी सब हमारे साथ काम करने वाली, काम यानी स्कूल से निकली वो, और जाके नारे लगाने लगी, निकलो आज़ादी के लिए लड़ना हम सब का काम है। तो प्रिंसिपल को लगा छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत बड़े आदमी थे प्रिंसिपल, वो बहुत बड़े विद्वान, गए और बच्चियों को पीठ पर हाथ रखते हुए कहा बच्चियों पढ़ने दो लड़कों को कॉलेज के। तुमने कहा ये पढ़ते रहेंगे आज़ादी के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है, इनको निकलना चाहिए। और फिर नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो उन्होंने कहा एक बच्ची को बुला के जो ज़रा उनमें से नेता थी, बेटा मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, और खूब सारे चॉकलेट साथ ले गए थे। तो उसने कहा हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और लगे नारे लगाने। सारे 2000 लड़के बड़े बड़े बाहर आए और जुलूस में शामिल हो गए, ये लड़कियां आगे और कॉलेज के लड़के उनके पीछे, लंबा जुलूस निकला। दिस वॉज द पैशन निर्मला जी हैड फॉर फ्रीडम ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। निर्मला जी वॉज बॉर्न ऑन 17th of October 1929 at Bhinde village of Nagpur.
Her father, Sri V.V. Deshpande, was a freedom fighter, a famous writer in Marathi language and a thinker. Her mother, Srimati Vimla Bai Deshpande, was an educationist, a writer and a social worker. She was also an ex-deputy minister of Madhya Pradesh in independent India. Nirmalaji had inherited her good qualities from her parents. She was a freedom fighter, a social worker, multilingualist, skillful writer, an editor, impressive speaker, working for the international peace and supporter for the common man. जो अपने से गरीब है, दुखी है, कमजोर है, उसकी तरफ ध्यान दो और जो कुछ आप है, आपके पास जो कुछ है, ये मत समझो कि मैं उसका मालिक हूँ। वो दूसरों के साथ बांटो। सुख दुख दोनों बांटना चाहिए। सुख बांटा जाए तो बढ़ता है और दुख बांटा जाए तो घटता है। तो इंसान को ये बांट के खाने की, जीवन जीने की कला अगर हो तो देश के दुख मिट जाएंगे। She considered education as an important source for serving the nation. She did her MA in political science and began to work on the post of lecturer. However, her commitment to serve for the masses led her towards the constructive work being carried by Gandhiji. Unke ashram mein rehkar wo jo jeevan ki shiksha hai wo prapt hoti thi. जिसमें कहा जाता है अंग्रेजी में हार्मनी बिटवीन हेड हैंड्स एंड हार्ट, हृदय हाथ और दिमाग तीनों के बीच में एक सुसंवाद हो और तीनों का विकास हो. उनके जो शिक्षा के प्रयोग थे उसमें हर कोई हाथ से काम भी करता था, हर कोई दिमाग की शिक्षा जो आजकल दी जाती है वो भी प्राप्त करता था और साथ साथ हृदय का विकास यानी गुणों का विकास, अच्छे इंसान बनने की शिक्षा, एक दूसरे की मदद करना, दूसरों के लिए कुछ करना, सेवा करना, ये सारा सिखाया जाता था. तो वहाँ से जो भी निकलता था वो समानता का पाठ सहजता से पढ़ लेता था और गरीबों की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा, ये भी सहजता से सीख लेता था. तो आश्रम एक जीवन ही, जीवन की शिक्षा देने वाला एक स्थान था. गांधी जी's philosophy continued to influence her as an adult as well. She resigned from her post. She pledged to stay unmarried all her life and devoted herself to the work being carried out by the Akhil Bharatiya Rachanatmak Samaj. आदिवासी लोगों में भी खुल स्कूल खोले क्योंकि आदिवासियों पर भी बहुत अत्याचार होते थे. तो उन वहाँ भी स्कूल खोले कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उनके कि क्या चल रहा है देश में, नहीं तो क्या उनको पता चलेगा. She worked extensively for the cause of education, employment, and empowerment of tribal and backward communities. हरिजन सेवक संघ के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है. हजारों 75 साल में हर जगह जो विद्यालय छात्रावास हमने चलाए. खैर मैं इस वक्त हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षा हूँ तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हरिजन सेवक संघ के छात्रावास में पढ़ा बालक त्रिवेंद्रम में भारत के राष्ट्रपति बन गए श्री के आर नारायणन. तो उनको इतना इस संस्था से प्यार था कि जब वो बन गए तो हमने वहाँ उनका बड़ा स्वागत समारोह किया.
तब उन्होंने कहा कि अगर ये गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्था और इसका छात्रावास नहीं होता तो मैं जीवन में कुछ नहीं बन पाता, मैं कहीं गाय चराता होता। In 1952, she got associated with Vinoba Bhave's Bhudan movement. This was a campaign to gift land among the landless farmers. At that time, the Bhudan movement started at every corner of India. To accomplish this mission, she went around the country on long padyatras and created awareness for the Bhudan movement among the masses. भूमिहीनों को भूमि देने का जो गांधी जी के उत्तराधिकारी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने चलाया, लाखों एकड़ जमीन हासिल की, उसमें से 90% आदिवासी और हरिजनों को बांटी गई और आज भी वो उस जमीन में काश्त कर रहे हैं और सम्मान का जीवन जी रहे हैं। 4 million of acres of land, 40,000 kilometers she has walked along with Vinobaji. 4 million hectares of land procured and distributed to landless people throughout the main movement in Bihar, I can say. After that, Andhra, we can say, and then Tamil Nadu, like this. In all the states throughout the India, they have started this movement. Didi ji ek mahan hasti thi. वह विनोबा जी के साथ हमेशा साथ रहीं और पूरे भारत में 40,000 किलोमीटर की यात्राएं की और विनोबा जी के साथ उन्होंने सामंत वर्ग से गरीब लोगों के लिए जमीन मांगा भूदान यज्ञ के अंतर्गत और उस जमीन को लेकर विनोबा जी के साथ वो गरीब लोगों के बीच में बांटते हुए चले गए। द मैक्सिमम सक्सेस इन दिस रिगार्ड वॉज अचीव्ड इन बिहार। अपार्ट फ्रॉम दिस She also got an opportunity to understand the problems of the people of rural India. She was able to empathize with the common man's suffering and pain. Under such circumstances, her intimacy and industriousness made her a darling of everyone. Out of love, people started addressing her Didi. जब वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर उस वक्त थी तो एक हमारे दीदी बड़ा आदर सूचक शब्द माना जाता है। बहुत से क्योंकि वो महाराष्ट्र से थी तो बहुत से महाराष्ट्र के उनके जो कार्यकर्ता थे उनको ताई बुलाया करते थे, निर्मला ताई, और शायद हम लोग भी पहले उनको ताई करके ही बुलाया करते थे। लेकिन जो काम का विस्तार हुआ और उत्तर प्रदेश बिहार आदि क्षेत्रों में जो उन्होंने कार्य किया तो वहाँ दीदी अत्यंत आदर सूचक शब्द क्योंकि है तो वो शब्द फिर लोगों ने अपनाना शुरू किया और बोलना शुरू किया और वो इतना प्रचलित हुआ कि वो जगत दीदी बन गई। दीदी के गुण तो थे उनमें, वो सबका ख्याल रखती थी, बड़ों का भी छोटों का भी सबका, यानी किसी किसी को भी किसी उसके किसी को भी किसी के भी साथ दुश्मनी नहीं थी। वो बोलती थी उनकी मेरे साथ होगी तो होने दीजिए, वो उनका प्रश्न है, मुझे नहीं उनसे दुश्मनी करनी, मुझे प्यार ही देना है उनको। इसलिए वो सत्य अहिंसा और प्रेम यही संदेशा उन्होंने बाद में भी वही भेजा ना। In those days, communal rights and tensions were a normal routine. Nirmala ji founded the peace training center at the Kasturba Gram near Indore. Here the social workers were trained how to ensure peace. शांति सेना विद्यालय कस्तूरबा ग्राम इंदौर के निदेशक के रूप में निर्मला जी ने शांति सैनिकों की एक श्रृंखला तैयार की तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जिन्होंने सांप्रदायिक तनाव के दौरान शांति को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा पीड़ितों को राहत दी, उन्हें संरक्षण प्रदान किया। दीज वर्कर्स ऑफ द पीस कीपिंग फोर्स were posted on duty across the country, and to a large extent, they were successful in controlling the communal violence and terror that had spread throughout the country. Nirmala ji was primarily active in two areas. One was rural development, and the other was the opposing people groups and areas
for firming up friendship, like among the people of Punjab and Kashmir, and for making efforts for establishing peace in the South Asian countries. The Peace March of 1980, the laying down of arms by the terrorists of Jammu and Kashmir, was a successful attempt at adopting a peaceful path. She took up the mantle of leadership for the Peace March during 1983 and 84 in Punjab and year 1994 in Kashmir. This was the time when the fury of communal violence in these areas had taken a gruesome shape. She organized meetings of Sarva Dharma Sambhav in various parts of the country for the sake of maintaining harmony among different religions. The Indo-Pak Friendship Treaty was organized in May 1996. Thousands of peace workers accompanied her on such occasions. They were working toward maintaining friendship and goodwill among the local people. In the Pakistan Peace Conference in the year 1999, she led the Indian representation. The Lahore bus tour in the year 2000 and the China tour were also a part of this powerful story. She was pained by the Gujarat riots in the year 2002. She initiated a forum for our combined heritage that included the group of selected writers, artists, and creative people who could familiarize the masses with India's traditional culture and heritage. And she established a forum for spiritual awakening such that messages of national integration and solidarity are communicated among the people. She was also a member of the National Integration Council, Central Social Welfare Board, Education Consultants Board, and Women's Empowerment Committee. She was awarded with the topmost award of Padma Vibhushan for her illustrious contributions. In the year 2006, she was awarded with the 14th Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award. Truly delighted that this year we are honoring Nirmala Deshpande ji, Father of Life and Father of Work. It gives me great pleasure to greet her on the occasion of the series, the Rajiv Gandhi Sadbhavna Award. Nirmala ji is a fitting and worthy recipient of this award. Gandhi ji aur Vinoba ji jaise mahan vyaktiyon ke saath kaam karne ka mauka jinhe mila ho, ve sachmuch bhagyashali. Nirmala ji Vinoba ji ke saath deshbhar mein bhutan andolan mein kaam kiya. Samaj mein आपसी प्रेम और भाईचारा उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान कभी चैन की जिंदगी जी सकता है जब वह अपने समाज में शांति सद्भावना और खुशहाली कायम रखेगा। ना कोई बैरी ना ही बजाना सकल संग्रह को बनाई, ये हमारी संस्कृति रही है। और आज क्या हो गया हमको गुजरात में जब हमने देखा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान याद करेगा कि हम क्या है। व्हाटएवर द नेचर ऑफ द चैलेंज, निर्मला जी इम्पार्टेड हर ड्यूटीज ऑफ हार्मनी एंड पीस कमेंडेबली।
At the height of the communal strife and terror in Jammu and Kashmir, she agreed to go daringly to that area where minefields had been laid. She was stopped and that area was cleared, yet she always remained at the forefront for making efforts for peace. कश्मीर तो पूरी घूम के आई और कश्मीर के वो अतिरेकी अड्डे में भी जाके आई तो बोलते थे दीदी आप आई आपको कुछ नहीं होगा. She firmly believed that in our society the final verdict is given by the common people. They should come forward and make efforts for peace. She said that people are the tools for changing the system that is sure but slow. And that this tool is now becoming a superpower that can transform the entire world. As a writer, Nirmala Deshpande wrote in both Marathi and Hindi languages. She created many works. Apart from Hindi, English and Marathi, Nirmala ji also knew Tamil and Oriya. The newsletter of the Akhil Bharatiya Rachanatmak Samaj is a mirror of her innovative and progressive thoughts. In the March 2008 edition, she created a new history in protest against the conventionally popular traditions in women's lives. On the cover page of this newsletter, it is written by her, "As I understand that daughters should have the right to perform the last rites, my last rites would be performed by my daughter." And that is how it turned out to be. जब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अब तुम ही मेरा लास्ट राइट्स करोगी, तब थोड़ा अजीब लगा कि लड़कियां तो ये सब करती नहीं हैं. मैंने पूछा कि मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, किसी लड़के को करना होगा ना ये. तो वो बोली कि जैसे मर्द को सब काम करने का हक है, उसी तरह औरतों को भी काम करने का हक है. और ये मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरा लास्ट राइट करोगी. तब मेरी बात मुझे समझ आ गया कि उन्होंने सही कहा है और मैंने भी यहाँ में भर दी. Nirmala ji left this world on 1st May 2008. She raised pertinent questions in the society through her outstanding thoughts and perspectives. For example, in the editorial section of the newsletter, she wrote that any woman is identified through her status as someone's daughter, someone's sister, or as someone's wife. Does she have no status of her own? She is a human being. She has her own personality, but she does not have any identity of her own. Each woman is a person. As a person, she should definitely have her own identity. Why does the discrimination between a son and a daughter continue? Why is a woman still being oppressed? She took concrete steps to find solutions to these questions. She remained associated with Akhil Bharatiya Rachanatmak Samaj, Harijan Sevak Sangh for all her life for the welfare of poor and desolate women. She was the chairperson of Indo-Soviet Friendship Society. She organized several tours to the neighboring countries for establishing mutual friendship and brotherhood. Cultural conferences were also organized. Dil de vich rab rehnda. Ye jo unki taleem hai ki chahe mandir masjid aap daha do par dil ko na todo. मुबारक चढ़िया रांझा साडे बेड़े बड़िया बहुत खूनी मोदे कंबल चढ़िया जाका भाई शक्ल बनाई आओ सैयद
मंगल देवों ने बधाई बधाई। यहाँ आने के बाद और बाबा बुल्ले शाह का दर्शन लेने के बाद मैं यही कहूँगा कि उनका मैसेज, उनकी जिंदगी ही एक बहुत बड़ा मैसेज है। लोगों के दिल में दोनों साइड पे अब ये पक्का यकीन हो गया है कि अगर हमने रहना है तो भाईचारे के साथ ही रहना पड़ेगा। एक बहुत खुशगवार फरीद है कि आप सबको खुशामदीद भी कहूँ और आपके आने का जश्न भी मनाऊँ। यकीन कीजिए मैं पैदाइशी लाहौरी हूँ, लाहौर हमेशा से मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज जब मैं आप सबको लेके वाघा बॉर्डर से आ रहा था तो मुझे लाहौर पहली मरतबा बहुत खूबसूरत लगा। उसकी वजह यह है कि आप सब हिंदुस्तान से आए और मुझे लगा कि हम वो रंग जो हम लाहौर से खो चुके हैं वो दोबारा लाहौर में आए। हम दोनों मुल्कों में कोई लड़ाई नहीं होने देंगे। इस संत की, इस सूफी की वही बात है जो सबसे बड़ा पैगाम है, सारी दुनिया को अपना घर समझो और यहाँ रहने वाले सबको अपने अपने रिश्तेदार समझो। Along with this, she made considerable efforts to get international recognition for Indian culture and literature. She said, "Ahimsa samaj ki disha mein pehla kadam hoga padosiyon ke saath maitri aur shanti. Hum log ek chote karya kar rahe hain, koi khaas kaam nahi kar rahe hain, bas dilon ko jodne ki choti si koshish kar rahe hain." She wanted the country's youth to be social workers and observant citizens. She chaired the Shri Hanuman Vyayam Prasarak Mandal of Maharashtra, where the youth were familiarized with the ancient Indian style of physical exercises. And here, they are given opportunities to reach the Olympics. And this continues till today. She used to say that we don't need slogans and speeches, we need to work to stay independent after freedom and for rebuilding our nation. We need to work and to develop a work culture. She had fashioned industriousness within her behavior. Nirmala ji was a living example of peace, friendship and harmony, whose memories will cherish forever.